भरोसे के सम्मेलन की, जो कि होने जा रहा है 21 मई को, और इसे लेकर तैयारियां लगातार जोर शोर से चल रही है। आपको बता दें, भरोसे का सम्मेलन 21 तारीख तय है, सिर्फ 2 दिन बचे हैं। पाटन विधानसभा के सांकरा गांव में आयोजित है सम्मेलन। सीएम भूपेश आम सभा को इस दौरान संबोधित करेंगे, किसानों के खाते में न्याय योजनाओं की राशि का ट्रांसफर करेंगे। भरोसे के सम्मेलन को लेकर तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। हजारों की संख्या में ग्रामीण सम्मेलन में शामिल होंगे। तो पाटन विधानसभा के सांकरा गांव में आयोजित होना ये भरोसे का सम्मेलन। इक्कीस मई को इस सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें किसानों के खातों में न्याय योजनाओं की राशि ट्रांसफर की जाएगी। भरोसे के सम्मेलन को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस पे सीएम भूपेश बघेल आम सभा को संबोधित भी करेंगे। तो पाटन विधानसभा के सांकरा गांव में आयोजित होना यह सम्मेलन, जिसको नाम दिया गया है भरोसे का सम्मेलन। तो हजारों की संख्या में ग्रामीण सम्मेलन में शामिल होंगे। 21 मई को इसका आयोजन है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल ग्रामीणों को संबोधित करेंगे, एक आम सभा को संबोधित करेंगे। बड़ी संख्या में ग्रामीण इसमें पहुंचेंगे। 21 मई को इस भरोसे के सम्मेलन का आयोजन होना है पाटन विधानसभा के सांकरा गांव में, जहां तैयारियां खूब की जा रही हैं। पाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक क्षेत्र है, और ऐसे में चुनाव नजदीक है, आम सभा होनी है, बड़ी संख्या में ग्रामीण यहां पहुंचेंगे, तैयारियां भी खूब है। 21 मई को इसका आयोजन होना है, और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी गौरव शर्मा, विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, सिर्फ 2 दिन शेष है, 19 मई आज है, पूरा दिन निकल गया, 21 को ये आयोजन होना है, क्या कुछ तैयारियां अपने अंतिम चरणों में आप देख पा रहे हैं? भरोसे का सम्मेलन 21 मई को आयोजित होगा। सीधी तस्वीर हम यहां पर साकरा गांव से दिखा रहे हैं, जहां पर काफी तेजी से जो सम्मेलन की तैयारियां हैं वो चल रही, चूंकि ये संभागीय सम्मेलन है, इससे दुर्ग संभाग के जो सभी जिले हैं, सभी विधानसभा, वहां से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोग पहुंचेंगे। लगभग 1 लाख लोगों को यहां पर लाने की कोशिश जो है वो संगठन की ओर से, सरकार की ओर से की जा रही, देखा जा सकता है। कलेक्टर और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं और स्थल का जायजा भी ले रहे हैं, तैयारियों को जायजा भी ले रहे हैं, और ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह की कमी ना हो। हमारे साथ कलेक्टर साहब भी हैं, उनसे भी सीधे जानने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरह की तैयारियां हैं और कितने लोग आएंगे, कैसी व्यवस्था है? 21 मई को जो भरोसे का सम्मेलन सांकरा में यहाँ पाटन में हो रहा है, काफी बड़ा आयोजन है, और 7 जिलों के उम्मीद कर रहे हैं 1,20,000 1,30,000 से अधिक लोग यहाँ पर आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। सर, चूंकि गर्मी भी अब काफी तेज हो गई, तो उस तरह की क्या तैयारियां ताकि लोगों को परेशानी ना हो? जितने भी लोग आएंगे सब सुबह भोजन करके आएंगे, और साथ में जितनी भी गाड़ियां हैं सारी गाड़ियों में ORS के घोल, साथ में ग्लूकोज बिस्किट और पानी की पर्याप्त व्यवस्था गाड़ियों में करवाई गई है। यहाँ भी जैसे ही जितनी भी हमारी जनता आएगी, एंट्रेंस के टाइम पे हर एक कोई पैकेट हम देंगे, जिसमें पानी रहेगा और बिस्किट रहेगी, फ्रूट्स हो सकते हैं और ORS रहेगा, और साथ में जहाँ पर जो डोम शेड जो बनाए कूलिंग की सफिशियंट व्यवस्था है, तो अंदर यहाँ पे दिक्कत नहीं रहेगी, बट जो रास्ते हैं उसके लिए भी अच्छी व्यवस्था कराइए, और जब जनता वापस जाएगी तब भी इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाए। सर, एक चीज हम लोगों ने लगातार भरोसे के सम्मेलन में देखा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा को उकेरा जाता है, दिखाने की कोशिश की जाती है, इस सम्मेलन में ऐसा क्या? जो सेंट्रल छत्तीसगढ़ है पूरा कृषक आधारित है, कृषि आधारित है, तो पूरा जो स्कीम हम रख रहे हैं पूरा ग्रामीण टीम पे जा रहे हैं, और जो जिन योजनाओं में राशि अंतरण की जा रही है, जैसे 1800 करोड़ रुपए किसान न्याय योजना में की जा रही है, तो वो स्कीम पूरी किसान के ऊपर है। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो राशि अंतरित की जाएगी जिन योजनाओं पे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार ने उकेरने की कोशिश की, अपनी योजनाओं में भी उसको मजबूत करने की कोशिश की, उसकी तैयारियां हैं, उसको यहां पर उकेरने की कोशिश होगी, और बेहतर इंतजाम हो इसके लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही, ये भव्य जो डोम है वो किस तरह से तैयार हो रहे हैं वो उसको हम अपने दर्शकों को सीधे दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीर जो है वो सांकरा के सभा स्थल की, जहां पर कुछ देर पहले अभी खनिज विकास निगम के अध्यक्ष
गिरीश देवांगन ने भी दौरा किया। और अब तो हजारों की संख्या में ग्रामीण जो है इकट्ठा भी होने वाले, जाहिर तौर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन जिसे भरोसे का सम्मेलन कह रहे हैं और इसके लिए आयोजन होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो पूरा इंतजाम भी है